नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चीज़ी ब्रेकफास्ट, जिसको आप एक बार खाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट बनने वाला ये स्नैक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना होगा बटर। तो एक कटोरी में लगभग एक टेबलस्पून जितना बटर ले लेंगे, और ये रूम टेम्परेचर पे है बटर, यानी कि मैंने फ्रिज में से इसको पहले से ही निकाल के रखा था। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे दो लहसुन की कली, ग्रेट करके डाल लीजिए या फिर बहुत बारीक चॉप करके भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम बटर और लहसुन को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। गार्लिक बटर हमारा रेडी है। अब हमें लेनी है चार ब्रेड स्लाइसेस, आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें ब्रेड्स को सर्कल शेप में कट करना है, यानी कि इनको हमें राउंड शेप देनी है। तो मैं यहाँ पर कटोरी की हेल्प लूँगी, आप चाहें तो कुकी कटर ले सकते हैं। दो ब्रेड्स को हम पहले इस तरह से राउंड शेप में काट लेंगे। और अब जो हल्के हल्के ब्राउन कलर के एजेस दिख रहे हैं उनको नाइफ से क्लियर कर लेते हैं। अब हमें इसमें से एक ब्रेड को रिंग की शेप में कट करना है। तो हम यहाँ पर एक ग्लास ले लेते हैं और इसकी हेल्प से ब्रेड को रिंग की शेप दे देंगे। और जो बाकी दो ब्रेड्स रखी हुई हैं इनको भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। और जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड है उसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। और ब्रेड्स हमने रेडी कर ली हैं। अब हमें इन पे बटर लगाना है। तो जो हमने राउंड शेप की ब्रेड्स तैयार करके रखी हैं इन पे हम अच्छे से बटर अप्लाई कर लेंगे। और अब रिंग्स को इनके ऊपर रख देंगे और बहुत हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि दोनों ब्रेड्स आपस में स्टिक हो जाएं। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन रख लिया है गैस पर, और पैन गर्म हो चुका है। तो अब इसको हम ग्रीस कर रहे हैं थोड़े से घी से, आप घी, बटर, ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जिस तरफ से हमने रिंग्स को स्टिक किया है ब्रेड्स पर, उस तरफ को पैन में नीचे की तरफ रखते हुए सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स के लिए सेक लेंगे। तो हल्का सा इनको चला दीजिए तवे पर, हिला लीजिए यानी कि, और फिर फटाफट से पलट दीजिए। और आप देख सकते हैं ब्रेड्स की जो रिंग्स हैं वो 5 से 10 सेकंड्स में ही गोल्डन क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और अब पैन पर हम थोड़ा सा घी या बटर ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि नीचे से भी ब्रेड्स बहुत क्रिस्पी रहें। और अब यहाँ मैंने एक कटोरी में लगभग 3 से 4 टेबलस्पून जितना प्रोसेस चीज़ या फिर पिज़्ज़ा चीज़ ले लिया है ग्रेट करके। और अब हम दोनों ब्रेड रिंग्स के बीच में लगभग 2-2 चम्मच जितना चीज़ डाल देंगे। और अब चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग। नमक बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि चीज़ में भी बटर हो, चीज़ में भी नमक होगा, और जो हमने बटर पहले से लगा के रखा था उसमें भी नमक होगा, तो एक्स्ट्रा नमक डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको ढक कर लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और हम देख सकते हैं कि चीज़ जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है, यानी कि हमारा ये इंस्टेंट स्नैक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जल्दी से इसको घर में ट्राई कीजिए, घर में सब इसको खाकर बहुत खुश हो जाएंगे।
और ऐसी और टेस्टी, इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। The end.